हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक वीडियो आज की डेट में आ चुके हैं यहां पर जुबिलेंट इंग्रीविया से रिलेटेड तो इस वीडियो को जाके देखिए दूसरी वीडियो को जाके देखिए सीखने का मौका मिलेगा एज़ वेल well एज आज मार्केट में क्रैश हुआ है ओके okay, और इस क्रैश में किन स्टॉक्स से रिलेटेड आपको यहां पर बुलिश रहना है और कौन से स्टॉक्स आपको खरीदने है? उसके लिए आप यहाँ पर इन वीडियो को जाके देखते रहिए सीखते रहिए इसके अलावा कुछ अलग स्टॉक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं वहां पर आपको बेहतरीन स्टॉक्स और बताए जाएंगे क्योंकि सारे स्टॉक्स हम नहीं बता पाते जस्ट बिकॉज ऑफ ऑफ स्टॉक टाइम टाइम लैकिंग तो इस वजह से आप हमें व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है और प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है हर एक स्टॉक्स में और यहाँ पर आज की डेट में बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका आई एक्स आई एक्स की अगर हम बात करते तो यहाँ पर इसके जो टारगेट है आज के दिन में ये शेयर भागता हुआ नजर आया अच्छा खासा ओके okay, यहाँ पर एट नाइन फिफ्टी थ्री रुपीज तक गया उसके अलावा यहाँ पर लगभग हजार सौ रुपए गिरता हुआ नजर आया फिर भी छह परसेंट का यहाँ पर जम था क्या हमें इसे बाइंग करना चाहिए सेल करना चाहिए क्योंकि इसमें एक न्यूज है बोनस की जो कि यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है इस वजह से आज की डेट में देखे तो लगभग सत्रह अठारह लगभग बीस तक ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया था तो क्या करना है क्या नहीं करना आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर अवर को सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर करिए फिर फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो मिलती रहे और जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए सपोर्ट करेंगे तो और बेहतरीन वीडियोस यहाँ पर डेली बेसिस पे बनाई जाएगी हमें भी एंथवाज मिलेगा और आप लोगों को यहाँ पर अच्छी खासी नॉलेज तो आइए वीडियो की तरफ तो आईएक्स की अगर हम बात करें जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ पर यहाँ पर आपको साढ़े तीन पे जब ये शेयर था लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने पर हमने आपको बताया था एक साइड पे जोन में चला फिर उसके बाद भागा फिर एक गिरावट हुई थी यहाँ पर तब आपको चार सौ रुपए पर रिकमेंड किया गया था और उसके बाद एक अच्छी खासी रैली एक से डेढ़ महीने के अंदर अंदर यहाँ पर पैसा डबल होता हुआ दिखाई दिया मोर देन डबल होता हुआ दिखाई दिया लगभग आज के दिन मैं देख रहा था तो वन फोर्टी थ्री के रिटर्न मिलते हुए नजर आए थे डेढ़ महीने के अंदर अंदर तो ऐसे ही स्टॉक्स हम चूज करते हैं व्हाट्सअप पे हमें पिंक करिए ऐसे स्टॉक्स आपको बताए जाएंगे बाकी बुल रन है तो अभी स्टॉक्स इस तरीके से भाग रहे हैं जब बुल रन नहीं होगा फिर भी स्टॉक्स में अच्छा खासा प्रॉफिट किस तरीके से करते हैं हमने यहाँ पर आप लोगों को स्टॉक्स बताए भी है उसमें प्रॉफिट भी बुक किया है और अच्छे खास तरीके से आप लोगों ने भी कमाया हम भी हम भी यहाँ पर अर्न करते हुए नजर आते हैं तो हम बात करें यहाँ पर आई की तो आई आज के दिन में लगभग बीस तक भागता हुआ दिखाई दिया क्यों भागता हुआ दिखाई दिया तो इसके पीछे एक रीजन था और वो रीजन क्या था ये ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बोनस तो यहाँ पर आई की मीटिंग है बोर्ड मीटिंग है इक्कीस तारीख को जो इक्कीस तारीख को यहाँ पर दो चीज है एक तो रिजल्ट आने हैं इसके क्यू के एज वेल एज यहाँ पर बोनस की कंपनी यहाँ पर आपको बोनस दे रही है या नहीं दे रही इससे रिलेटेड यहाँ पर चर्चाएं होगी और यहाँ पर जब इसकी चर्चा होगी तो यहाँ पर ये यह स्टॉक्स कहा जाता हुआ दिखाई देगा आप खुद नहीं सोच सकते उससे रिलेटेड हम बट आपको यहां पर इस वीडियो में बताएंगे तो यहाँ पर लास्ट तक बने रहिए आज के दिन भी आप देखेंगे तो लगभग पांच करोड़ अठारह लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए थे जिसमें से एक, एक करोड़ लाख पर डिलीवरी बेसिस पे लगभग शेयर डिलीवरी बेसिस पे उठाएगा और यहाँ पर सही चल रहा था एवरीथिंग वाज गोइंग गुड ओके शेयर यहाँ पर दस बीस परसेंट सॉरी यहाँ पर बीस से शायद सोलह सत्रह परसेंट पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था बट अचानक मार्केट एक हैवी सेलिंग आई आप यहां पर देख सकते हैं अगर हम यहां पर बात करें निफ्टी 50 की तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी 50 किस तरीके से ऊपर के हाईएस्ट लेवल पर चल रहा था और फिर एक साथ ही यहां पर डंब होता हुआ नजर आया यहां पर गिरता हुआ नजर आया जिसकी वजह से अगर हम बात करें सारे के सारे इंडेक्स और सारे सारे शेयर यहां पर गिरते हुए नजर आए और हमारा जो शेयर है आईईएक्स तो आज जो इसके बारे में हम बातें कर रहे हैं तो शेयर तो बहुत सारे गिरे बट आई में एक अच्छी खासी गिरावट हुई बट इस गिरावट में भी ये शेयर छह परसेंट ऊपर की तरफ डटा रहा दस परसेंट की यहाँ पर गिरावट हो गई ऊपर से बट छे परसेंट पर फिर भी डटा रहा तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि ये शेयर दोबारा दूसरी रैली के लिए तैयार है तो अगर हम यहाँ पर बात करें इससे रिलेटेड तो देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यह हम बात कर रहे हैं जैसे कोयला की आप बात कर रहे हैं कि कमी आती हुई दिखाई दे रही है चाइना में एज वेल एज यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड यहाँ पर पावर की से रिलेटेड यहाँ पर इशू होता हुआ जनरेट दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर एक वन एंड ओनली यहाँ पर शेयर है जो कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज प्राइवेट प्लेयर जो कि यहाँ पर एक बेहतरीन फायदा उठाता हुआ नजर आएगा और नजर आएगा क्या नजर आ भी रहा है से यहाँ पर बेहतरीन रैली भी होती नजर है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस यहाँ देख सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द पावर एक्सचेंज लाइसेंस बाई सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिश्नर कमीशन फॉर सपोर्ट ट्रेडिंग इन पावर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रेडिंग ऑफ एनर्जी तो यहाँ पर देखिए जितनी भी एन एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसमें जो एक्सचेंज में एक्सचेंज होता हुआ नजर आता है जो यहां पर ट्रेडिंग होती हुई नजर आती है वो यहां पर ही होती हुई नजर आती है तो इस चीज को समझिए इस वजह से ये शेयर बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों की पसंद रहा है और 102 के पीई पे यहाँ पर जरूर चल रहा है बट यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो 200 200 300 300 तीन सौ पे चल रहा है और उस लेवल तक इसे जाना है इस बात को याद रखिएगा आर ओ सी आर ओई काफी बेहतरीन है डेट फ्री कंपनी है कोई प्राइसिंग नहीं है और आज के दिन में हमने देखा है कि इसने ऑल टाइम हाई और अपना फिफ्टी टू बी हाई हिट करता हुआ दिखाई दिया है और अगर हम देखें तो ये शेयर ज्यादा टाइम नहीं हुआ से आते हुए दो में ये शेयर आया था उसके बाद एक जोन पे तक ये शेयर चल रहा तीन साल साइडवेज जोन चला और उसके बाद रिजल्ट की, शे, well की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट हाइएस्ट एवर यहाँ पर रिजल्ट uh, आते हुए दिखाई दी है ओके okay, पिछले दो तीन क्वार्टर से और इस बार के जो रिजल्ट की बातें हो रही है जो की हमें यहाँ पर परसों की डेट में दिखाई देंगे यहाँ पर अगर हम देखते सकते हैं डेट में 21 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो ये जो ये इसके रिजल्ट सबसे बेहतरीन रिजल्ट आने की आशंका है और लोग इसके ऊपर बुलिश है कि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आएंगे और जब अच्छे रिजल्ट आएंगे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आएगा हाईएस्ट अब यहाँ पर नंबर्स आएंगे तो याद रखिएगा दिस इज द ओनली शेयर जो कि आपको बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा अभी ये शेयर आपको थोड़े से परसेंटेज के रिटर्न दे रहा है आगे चल के और बेहतरीन रिटर्न देगा तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होनी होती तो यहाँ पर ये लोअर सर्किट में भी जा सकता था जैसे आईसी में आज की डेट में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया फिर ओपन होता हुआ दिखाई दिया तो नेट प्रॉफिट की बात करें उन्नीस करोड़ का प्रॉफिट दो करोड़ के प्रॉफिट पर ये ट्रेड कर रहा है पिछले बारह महीने का एज वेल एज रिजर्व बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बॉइंग कम होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट सात करोड़ रुपए का है कैश की बात करें कैश रिच कंपनी है सेवेंटी करोड़ का कैश है जो भी पैसा

आ या बात करें ट्वेंटी परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी के आसपास की हिस्सेदारी पब्लिक की नजर आती है और बड़े बड़े ग्रुप एस बी आई यहाँ पर सारी के सारे पावर सेक्टर्स पर अपनी नजरे बनाए हुए है और इस शेयर को कोई बेचना नहीं चाहता आज के दिन गिरावट हो गई ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और ये बात करे तो ये शेयर किस तरीके से चलता है वो देख लीजिए यहाँ पर पोल बनाता है फ्लैग बनाता है फिर यहाँ पर देखिए दूसरे पोल बनाने के लिए भाग रहा था ओके और अच्छा खासा ये भागता भी और भागेगा भी बट यहाँ पर थोड़ा सा डिट्रेस हुआ और अगर सपोर्ट की बात करें ये इसका एक बेहतरीन सपोर्ट है जिसके नीचे आना आई डोंट थिंक डों नीचे आएगा बट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है बट इस लेवल पर शेयर लेना भी थोड़ा सा अगर बात करें जो न्यू कोई बाइंग करने जा रहा है तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है ओके बट यहाँ पर अगर आप खरीदते भी है तो यहाँ पर आपको बायोन डिप्स करते रहना होगा और इंस्टॉलमेंट में पैसा लगाइए लंबे टाइम पे रखेंगे तो इट इज द इट इज दैट काइंड ऑफ सेक्टर ओके जो कि आपको बेहतरीन पैसा बनाता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो में रखिए रख के ऐसे भूल जाइए फिर पैसा ही पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर अभी जो फिलहाल की बात करूँ तो फिलहाल के टारगेट थाउजेंड रुपीज तक है ओके शायद ये 21 तारीख तक थाउजेंड रुपीज तक टच हो तो जाए और एक बार बोनस बोनस की न्यूज आ गई तो शायद ये शेयर बारह सौ तेरह सौ रुपए की यहाँ पर लेवल दिखाता हुआ दिखाई दे एक बार रिजल्ट अच्छे आ गए बोनस अच्छा आगे मिल जाएगा तो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन न्यूज प्लस में अच्छे रिजल्ट ये शेयर फिर तेरह सौ तो चौदह सौ रुपए की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर गिरावट की बात करें तो शायद यहाँ पर ये शेयर नीचे का रेजिस्टेंस की बात करें तो थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर हो सकती है क्योंकि अच्छे खासे एटी सेवन की आर एस आई पे चल रहा है तो इनमें गिरावट होती रहेगी बट शेयर यहाँ पर भागता भी रहेगा तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फ्रेंड शेयर पर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगी और लाइक कमेंट शेयर करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी सर्विसेज लेने के लिए व्हाट्सएप का नंबर है उस पर आप पिंग कर सकते हो और जितना हो सके सपोर्ट करिए थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस